हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, तो जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, अपलोड इस पर कर रहा हूँ, वो वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें पर ट्रिग्नोमेट्री जो कॉम्प्लीमेंट्री है एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो, उन एंगल को अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। फिर कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इन दोनों का आपस में रिलेशन। फिर टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, इन दोनों का आपस में रिलेशन। इन दोनों का आपस में यानी क्या, साइन थीटा चेंज होगा कोस थीटा में, टेन थीटा चेंज होगा कोट थीटा में, सेक थीटा चेंज होगा कोसेक थीटा में, कोस साइन में, कोट टेन में और कोसेक सेक के अंदर। अब ये जो रिलेशन की जो वैल्यू है वो अपन प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री, इसमें यदि मैं इस एंगल को थीटा ले लूं तो ये जो एंगल आएगा ये आएगा आपका 90 माइनस थीटा। तो इस थीटा के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर, और इस थीटा के सामने जो साइड है वो जो बच गई वो बेस, और ये आपका हाइपोटेनियस। यदि मैं साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालूं तो इस थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अपॉन में ए सी। यदि मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालूं, कोस थीटा इक्वल टू, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना, ए बी इक्वल टू ऐसे। तो इन दोनों साइड से मैं क्या कह सकता हूँ कि ये दोनों साइड इक्वल है, तो इनकी ये साइड भी इक्वल होगी। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, बाकी सेम ऐसे ही हैं सभी, आप देख लेना। आपको बस ये फॉर्मूले याद करने अप्लाई, डायरेक्ट अप्लाई होंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं 8.3। 8.3 का फर्स्ट पार्ट, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इस वैल्यू और इस वैल्यू का सम क्या है 90 है, तो इन दोनों में से एक को चेंज कर लो। तो साइन को मैं कन्वर्ट करूं तो साइन को मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस। अब ये 18 कब आएगा, जब इस नीचे वाली वैल्यू का माइनस करोगे तो 72 अपॉन में कोस 72 डिग्री। अब फॉर्मूला अपन जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 72 डिग्री अपॉन में कोस 72 डिग्री। सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कैंसिल आउट होगी तो आंसर आ जाएगा इसका 1। इसी तरह ये अपन अप्लाई करेंगे, तो या तो इसको चेंज कर लो या फिर इसको चेंज कर लो। तो इसमें मैंने ऊपर वाले को चेंज किया, यहाँ पे नीचे वाले को चेंज करके देखते हैं। तो 26 अपॉन में कोट 90 माइनस 26, अब 26 में से माइनस कीजिए 64 ही आएगा, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 26 डिग्री अपॉन में 90 माइनस कोट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, तो 26 डिग्री। ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट होगी तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह अपन थर्ड वाले क्वेश्चन को चेंज करेगी, तो इस वैल्यू और इस वैल्यू का सम 90 डिग्री होगा, तो इस या तो इसको चेंज कर लो या फिर इसको चेंज कर लो, दोनों में से एक को चेंज करें अपन। तो मैं इसको कर रहा हूँ, तो कोस 90 माइनस 42, माइनस करके देखो 48 ही आएगा, तो साइन 42 डिग्री।
कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42, सेम वैल्यू से सेम वैल्यू माइनस होगी तो आंसर 0। इसी टाइप से इसको अपन सॉल्व करें तो कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस 31, इसी को मैं लिख सकता हूँ कोसेक 31, सेक 90 माइनस 31 कितना होगा, सेक कोसेक, कोसेक 31 डिग्री, सेम वैल्यू से सेम वैल्यू माइनस होगा तो आंसर कितना 2। सो दैट सेकेंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो 10 48 है ये, 48 डिग्री इंटू 10 23, 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 लाने, तो 1 के लिए इस वैल्यू और इस वैल्यू का सम 90 है, तो इन दोनों में से एक को मैं कन्वर्ट करूं तो इसको लिख सकता हूं मैं 90 डिग्री माइनस 42, फिर 10 42 डिग्री इंटू में इस वैल्यू को लिख सकता हूं मैं 10 90 डिग्री माइनस 67 इंटू इसको लिख सकता हूं मैं 10 67। अब 10 90 माइनस 42 कोट 42 इंटू 10 को मैं कोट में कन्वर्ट करूंगा तो 1/cot 42 इंटू 10 90 माइनस थीटा कोट 67 इंटू इसको कोट में चेंज करूं तो 1/cot 67, इससे ये वैल्यू कैंसिल, इससे ये वैल्यू वैल्यू तो 1 1 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 1। इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड है कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, इन दोनों का सम भी 90 है, इन दोनों का भी सम 90, दोनों में से एक को चेंज करता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री और ये कोस 52 डिग्री माइनस, इसको मैं चेंज करूँ तो 90 माइनस 52 डिग्री और इसको लिख सकता हूँ मैं साइन 52 डिग्री, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन 52 और ये कोस 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा कोस 52 डिग्री और ये आ जाएगा आपका साइन 52, सेम वैल्यू से सेम वैल्यू माइनस होगी तो इसका आंसर आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, इफ 10 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज द एक्यूएट एंगल, अब एक्यूएट एंगल का मतलब क्या है कि इस 2a की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, फाइंड द एंगल a, तो आपको इक्वेशन दी हुई है 10 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, अब या तो इस 10 को कोट में कन्वर्ट कर दो या कोट को 10 में, तो यदि मैं इस 10 को कोट में कन्वर्ट करूं तो इस वाली वैल्यू को लिख सकता हूं मैं कोट 90 माइनस 2a, आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 10 में ये वापस आ जाएगा तो इसको लिख सकता हूं कोट a माइनस 18 डिग्री, ये कोट इक्वल के फॉर्म है तो ये कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल करना नहीं, कैंसिल आउट आपको बस दिखाना है, तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, अब ये 2a इधर आएगा तो a प्लस 2a, ये 90 पहले से है तो 90 इधर आएगी ये वैल्यू तो 18 डिग्री, a प्लस 2a कितना 3a इक्वल टू इसको ऐड करूँगा तो 108, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 108 डिग्री में 3 को से मैं डिवाइड करूँ तो 1 का आंसर आ जाएगा कितना 36 डिग्री, तो 1 की वैल्यू 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 10a इक्वल टू कोट b प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90, आपको इक्वेशन गिवन है कि 10a इक्वल टू कोट b, इसको मैं लिख सकता हूँ 10a इक्वल टू कोट को लिख सकता हूँ 10 90 माइनस बी,
अब ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट होके ए इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी। इस बी को मैं इधर लाऊंगा, बी इधर नेगेटिव है, इधर आएगा तो साइन चेंज हो गया, तो नेगेटिव का पॉजिटिव, तो ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन 4 5 5, इफ सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, वेहर 4a इज एक्यूएट एंगल, यानी 4a एक्यूएट एंगल, इस की वैल्यू 90 डिग्री होगी, 90 लेस देन होगी। एक्यूएट एंगल का मतलब क्या है कि एंगल की वैल्यू 90 से कम होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इक्वेशन आपको गिवन है, सेक 4a इक्वल टू कोसेक 90 माइनस 90 a माइनस 20 डिग्री। इसको मैं चेंज करूं तो कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। कोसेक से कोसेक हट जाएगा तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। 90 डिग्री ये इधर आएगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस का 20, ए प्लस 4a, 4a प्लस a ऐड होगा तो 5a इक्वल टू 110, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 20 डिग्री। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a इक्वल टू 110 अपॉन में 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 20 डिग्री। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी एक ट्राइंगल गिवन है, उसके ए बी सी क्या है, इंटीरियर, यानी ये वाला एंगल, ये और ये एंगल गिवन है आपको, इंटीरियर एंगल है किसके, राइट एंगल, राइट ट्राइंगल ए बी सी के, शो दैट, ये आपको प्रूव करना है। अब अपन जानते हैं कि इन तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आपको बी प्लस सी चाहिए, तो इस ए को मैं इधर लेके आऊँगा तो बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। टू भी लाना आपको, तो टू से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो डिवाइडिंग द बोथ साइड बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए अपॉन टू, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी प्लस सी अपॉन में 2, और ये 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। दोनों तरफ साइन पुट करने पर साइन बी प्लस सी अपॉन 2, ये साइन क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे आपको साइन ही प्रूव करना है। आईसीसी बोर्ड और आरबीसी बोर्ड में अलग क्वेश्चन 10 और कोट का रिलेशन दिया हुआ है, एक सेक और कोसेक का रिलेशन दिया हुआ है, तो ध्यान रहना। आपके साइन तो मैंने साइन ले लिया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, ए बाई 2, हैंस प्रूफ। 7th क्वेश्चन, एक्सप्रेस द साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन द 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी इन दोनों डिग्री एंगल को आपको 0 से 45 के बीच में कन्वर्ट करना। अब इसको मैं 90 से माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 27। यानी आपको क्या लिखना है, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। इस साइन को लिख सकता हूँ मैं साइन 90 माइनस 23 डिग्री। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो 67 ही आएगा, 90 में से 75 माइनस करूँगा तो 25 आ जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, कोस 90 माइनस 25 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, यानी कोस 23 डिग्री प्लस इसकी वैल्यू साइन 25 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये जो 23 और 25 है, ये आपका 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में है। ये आपका सॉल्यूशन क्लियर। थैंक यू सो मच।